कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की हमारी कहानी है आ गई नींद, और इसे लिखा है मनोहर चमोली ने। चांदनी रात थी, नदीमा को नींद नहीं आ रही थी। अम्मी उसे कहानी सुनाने लगी। नदीमा ने पूछा, अम्मी क्या चांद को जाड़ा लगता है? अम्मी हंसते हुए बोली, हाँ बेचारा अकेला आसमान में ठिठुरता जो रहता है। चलो अब सो जाओ। नदीमा ने आंखें बंद कर ली। अम्मी भी सो गई। एक भेड़ नदीमा के पास आई और बोली, नदीमा ये लो मेरी ऊन, चांद के लिए स्वेटर बुन लेना। मकड़ी ने कहा, स्वेटर मैं बुन देती हूँ। मकड़ी ने तुरंत स्वेटर बुन दिया। तोते ने कहा, आओ चले हम चांद को स्वेटर दे आते हैं। नदीमा तोते की पीठ पर जा बैठी। दोनों चांद को स्वेटर देने के लिए चल पड़े। अचानक नदीमा की आंख खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। चांद हंस रहा था। नदीमा को भी हंसी आ गई। अब वो चैन से सो गई। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।